Good morning, dear students. Today we are going to start the new topic, that is continuity. अगर हम English language में बात करें तो continuity का मतलब या continuous का मतलब क्या होता है कि लगातार without any break. पर आज हम देखेंगे कि mathematically हम continuity को कैसे define करते हैं. इसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसकी हेल्प से इसे समझने की कोशिश करेंगे. हियर आई हैव टेकन अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टू. And for all positive values of x, the value of the function is 3. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ में जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं x की, तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई. माइनस 1 पे भी 2 होगी, माइनस 2 पे भी 2 होगी, 0 पे भी 2 है. तो अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट दिस पार्ट. एंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 3 है, एक्स इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 3 है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू 3 है. तो जब आप 1 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 है, 3 पे भी 3 है फंक्शन की वैल्यू, जब आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा. तो यहाँ पर हमने ये ब्लैंक सर्कल ड्रॉ करा, इट मीन्स जीरो पे इसकी वैल्यू 3 नहीं है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन यहाँ से डिफाइंड हो रहा है. जीरो पे इसकी वैल्यू 2 है और बाकी सब पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू 3 है. तो अगर हम इस ग्राफ को बनाना चाहें तो ऐसे पहले बनाएंगे, देन यू हैव टू लिफ्ट योर पेन एंड देन टू दिस पॉइंट एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस. तो यहाँ पर आप कंटिन्यूटी में इस ग्राफ को नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, आपको बीच में एट एक्स इक्वल टू जीरो अपना पॉइंट पेन उठाना पड़ा और फिर ऊपर जाना पड़ा पॉइंट 3 पर और फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा. तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहेंगे. अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो यहाँ फंक्शन कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट ज़ीरो, लिमिट्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में लिमिट का यूज़ होता है. लिमिट के बेस पर ही हम आगे कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो होती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ पर अगर हम इसकी लेफ्ट लिमिट की बात करें एट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रॉम द लेफ्ट, फंक्शन की वैल्यू 2 है. और अगर हम ज़ीरो को अप्रोच करें राइट की साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है. फिर यहाँ जैसे जैसे हम ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3. तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ज़ीरो. सो इस केस में जब हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट किसी फंक्शन की इक्वल नहीं होती है तो हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है. तो एक केस हमारा ये हो. अब एक केस और हम लेंगे. यहाँ हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है जहाँ पर ज़ीरो पर बस फंक्शन की वैल्यू 2 है और ज़ीरो के अलावा बाकी सब पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू 1 है. तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव वैल्यूज़ पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, पर ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू 2 है. तो ज़ीरो पॉइंट पे हमने इसलिए ब्लैंक सर्कल ड्रॉ करा, इसका अलग ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है और ज़ीरो पे क्या डिफाइन थी, फंक्शन की वैल्यू 2. तो इस ग्राफ को भी ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ जाएंगे आप
और उसके बाद अपना पेन उठाना पड़ेगा, जीरो पे ये मार्क करेंगे और फिर आप इस ग्राफ को आगे ड्रॉ करेंगे, या यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो भी यही बात है, इस पॉइंट पे जीरो पे आने के बाद फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा, फिर आपको आगे का पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूटी में आप इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट ज़ीरो, लेफ्ट से ज़ीरो की तरफ पढ़ें या राइट से ज़ीरो की तरफ पढ़ें, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, मतलब लेफ्ट लिमिट भी वन है और राइट लिमिट भी वन है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे टू है, तो यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ है। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिया हमने। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। अब आप इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट ज़ीरो वो भी ज़ीरो आएगी, राइट लिमिट भी ज़ीरो आएगी और फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो पर ज़ीरो है, और ये ग्राफ आप कंटिन्यूटी में ड्रॉ कर पा रहे हैं। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं भी आपको अपने पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ फिक्स्ड पॉइंट इफ़ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, एफ कोई भी एक रियल फंक्शन है, एंड सी इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, सी उसके डोमेन का एक पॉइंट है, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी। और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगा। तो इसलिए हम इस कंडीशन को ये भी लिख सकते हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी इक्वल राइट हैंड लिमिट एट सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी। और अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात कही है और यहाँ हम पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि अगर डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा देन वी सेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब एक यही मॉडुलस फंक्शन को हम मैथमेटिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये जो कंटिन्यूटी का टॉपिक है हमारा बेटा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, चार नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और दो नंबर में भी आ सकता है, चार नंबर में आने के चांसेस काफ़ी हैं इसके, और कभी कभी ये टू मार्क्स में आता है। तो हमारा ये एग्जाम्पल है कि शो दैट मॉडुलस एक्स इज कंटिन्यूस एट ज़ीरो, जो अभी हमने ग्राफ की हेल्प से समझा है उसको अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। नाउ मॉड फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है मॉड फंक्शन। दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, तो मॉड एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स। इफ एक्स इज पॉजिटिव, जैसे 2 है 3 है 4 है, तो मॉड 2 मॉड 3 मॉड 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही आ जाती है। दिस मीन्स मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, माइनस मीन्स फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स क्या होगा, लेफ्ट में ज़ीरो के लेफ्ट में फंक्शन यहाँ से डिफाइंड है, तो इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे, तो एफ एक्स को रिप्लेस करा माइनस एक्स से। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ये 11th क्लास में आपने समझा था। वैसे तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालनी है किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर, जैसे
एफ एक्स की लिमिट निकालनी है ए पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम ए एक्स को रिप्लेस करेंगे ए माइनस एक्स से और लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच, क्योंकि एक्स को रिप्लेस करा हमने किससे, ए माइनस एच से. सो व्हेन एक्स टेंड्स टू ए एच विल टेंड्स टू ज़ीरो. सो वी पुट दिस कंडीशन लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच. और अगर हमें राइट लिमिट निकालनी होती है तो हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच. यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप चाहे इस मेथड से करिए. तो यहाँ ज़ीरो माइनस एच से रिप्लेस करेंगे x को, क्योंकि ज़ीरो पे आप लिमिट निकाल रहे हैं और h टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी. इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो राइट में फंक्शन x से डिफाइंड है तो एफ एक्स को रिप्लेस करना है x से, और x को जब आप ज़ीरो प्लस h से रिप्लेस करेंगे एंड h टेंड्स टू ज़ीरो, इट्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी. और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर वो यहाँ से डिफाइंड है, यहाँ पे x को ज़ीरो रखिए तो f ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा. तो यहाँ लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, इसलिए मॉड फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू ज़ीरो. तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ज़रूर लिखिए बेटा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. तो आपको कंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट पर चेक करनी है तो पहले उस पॉइंट पर उस कंडीशन को लिखिए कंटिन्यूटी की. तो आप ये लिखेंगे तो इसमें आधा एक नंबर आपको ज़रूर मिलेगा. अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम. एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन है, एक थर्ड. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया कि किस पॉइंट पे चेक करना है, इसका मतलब इसके डोमेन में चेक करना है. और जब कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब आर पे चेक करना है कि शो दैट दिस इज कंटिन्यूस इन आर. सो वी हैव टेकन एनी जनरल पॉइंट इन आर, सपोज सी इज एनी रियल नंबर. अब हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन की एट सी, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं. 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है, उस पॉलिनोमियल में एक्स को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं. अगर टू पर लिमिट निकालनी है तो लिमिट क्या हो जाएगी ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट टू, टू माइनस फाइव. थ्री पे निकालेंगे तो थ्री माइनस फाइव, मतलब डायरेक्ट उस नंबर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल में. तो यहाँ पर हम सी पे निकाल रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल में हम सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट बिकम सी माइनस फाइव. और वैल्यू भी यही होगी, एफ सी क्या होगा, सी माइनस फाइव. सो यहाँ पर लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी. और क्योंकि सी एक आर्बिट्री रियल नंबर था, जनरल रियल नंबर लिया था हमने इस, सो इसका मतलब वो हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा. नाउ वी हैव सर्टेन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, दैट इज इफ let f and g be two continuous functions at real number C, then f plus g and f minus g both are continuous at
एक्स इक्वल टू सी, एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा. सेकेंड पॉइंट, एफ डॉट जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी. थर्ड इज एफ डिवाइडेड बाय जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी प्रोवाइडेड जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ और जी रियल फंक्शंस हैं, जो दोनों एक पॉइंट, रियल पॉइंट, रियल नंबर सी पर कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उनका कोशेंट भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो. और आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमने अभी चेक करा, इट इज़ कंटिन्यूस. इसी तरह से साइन फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, साइन फंक्शन का ग्राफ होता है हमारे पास इस टाइप से, ग्राफ बनता है साइन फंक्शन का. सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन आर. सिमिलरली कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन आर. That's all for today, and remaining we will discuss in next video. Thank you.